देवास में पितृमोक्ष के उपलक्ष में ग्राम सिया में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आयोजन अतारबाई सीनिया सुपुत्र अनिल सीनिया विशाल सीनिया एवं समस्त ग्रामीणों के सहयोग से चल रही है। कथा वाचिका दुर्गा जोशी के मुखारविंद से विभिन्न प्रसंगों का सचित्र वर्णन कराया गया। गुरुवार को कथा की पूर्णाहुति हुई। कथा के अंतिम दिवस पर व्यासपीठ से जोशी ने कहा कि संसार को मित्रता करना प्रभु श्री कृष्ण ने सिखाया है। किस प्रकार उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा का सम्मान व सत्कार किया है, अपनी मित्रता निभाई है और संदेश दिया कि संसार में जीवन में प्रभु से कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए, चाहे पिता का हो, माता का हो, भाई का हो व सखा का हो। जब परमात्मा से संबंध होता है तो परमात्मा उस संबंध को अवश्य ही निभाते हैं। इस उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेवा समिति उपाध्यक्ष रुक्मणी परमार एवं सदस्यों द्वारा व्यास पीठ की पूजन कर कथावाचिका का पुष्पमाला सम्मान पत्र एवं औषधि पौधे भेंट कर किया गया। साथ ही कथा पांडाल में उपस्थित भक्तों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिलाया। समिति सचिव घनश्याम मोदी ने बताया कि मां की आराधना का पर्व नवरात्रि के उपलक्ष्य में समिति द्वारा 26 सितंबर को MG रोड स्थित खेड़ापति मारुति मंदिर एवं पूरी नवरात्रि के 9 दिन तक उज्जैन रोड स्थित गणेश मंदिर पर पधारे भक्तों को निःशुल्क पौधे का वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम औषधि पौधे कम नहीं होने देंगे, शहर को हरा भरा करने में अपना योगदान देते रहेंगे। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।